वाराणसी के सुप्रसिद्ध पचास मोचन कुंड, जहां लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यदि काशी में इस पचास मोचन पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कुंड से कुछ दिनों से दुर्गंध निकलनी शुरू हुई। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि कुंड की सैकड़ों मछलियाँ मरी हुई हैं और पानी के ऊपर देखी जा रही हैं। लोगों का अनुमान है कि संभवतः ऑक्सीजन की कमी के कारण ये मछलियां मर गई हों। इसकी सूचना वाराणसी नगर निगम को दे दी गई है ताकि जल्द से जल्द इसे साफ कराया जाए। कोरोना महामारी के इस संकट काल में कोई और बीमारी क्षेत्र में न फैले, इसके लिए जल्द से जल्द इस कुंड को साफ कराना आवश्यक है। ये है कि पिछले वर्ष पोखर में गंदगी बहुत अधिक हो गया है, जिसको कि नगर निगम का काम है इस समय सफाई उफाई करने का, तो नगर निगम इसमें इस समय अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कोरोना जैसी इतनी भयंकर बीमारी इस समय शहर में चल रहा है, तो हमको लग रहा है कि वो लोग शहर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अभी पोखरे की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो हमारा नगर निगम के अधिकारियों से गुजारिश है कि कृपया वो इस तालाब में ध्यान दें, क्योंकि यहाँ करीब हजारों की तादाद में मछलियाँ मर गई हैं और ऑक्सीजन के कमी के कारण भी लग रहा है मर गई हैं। इसलिए हमारा नगर निगम से गुजारिश है कि कृपया तालाब की अति प्राचीन तालाब है पचास मोचन, जहाँ की बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पिंडा पारने और कार्य करने के लिए, इसलिए हमारा नगर निगम से इसके अधिकारियों से गुजारिश है कि कृपया तालाब का साफ सफाई करा दें और ऐसा उसमें केमिकल उमिकल या पदार्थ डालें जिससे मछलियां न मरें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।